भागलपुर स्मार्ट सिटी की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने आज वार्डों की साफ सफाई व नालों की उढ़ाई का जायजा लिया। महापौर ने जिले के वार्ड नंबर 15, 13, 7 और वार्ड नंबर 6 का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अनाथालय रोड में नाले के ऊपर ढक्कन जरूरी है, इससे जो डायरेक्ट नाले में कूड़ा फेंकते हैं इससे बचाव होगा, साथ ही सड़क की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी और यातायात व्यवस्था में भी काफी सुविधा होगी। वहीं नालों की उढ़ाई में सबसे बड़ी समस्या है नाले के ऊपर लोगों के द्वारा अतिक्रमण करना, किसी का सीढ़ी तो किसी का दरवाजा वह अन्य स्ट्रक्चर है। अतिक्रमण विभाग को इसके लिखित सूचना दी गई है, जैसे ही उक्त नालों के ऊपर से अतिक्रमण हट जाएगा नालों की उढ़ाई आसान हो जाएगी, साथ ही कलवर्ट में भी सुधार काफी जरूरी है। इस निरीक्षण के दौरान महापौर के साथ वार्ड पार्षद प्रीति शेखर, पंकज कुमार, नंदिकेश सांडिल्य, शशि मोदी समेत कई लोग साथ थे। पहले वार्ड नंबर 15 गए हम लोग और वहाँ पे सफाई व्यवस्था देखी और नाले का उड़ाही देखा। वहाँ पे मेन समस्या है कि कलवर्ट बहुत नीचे है और उसके नीचे से पानी निकासी होने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो कलवर्ट बनना है। और जो उड़ाही हो रही है वो तो बहुत अच्छे से हो रही है, जहाँ पर भी उड़ाही हो रही है। और उसके बाद हम वार्ड नंबर 13 में गए, वहाँ की भी उड़ाही अच्छी चल रही थी। वार्ड नंबर 8 में गए, वहाँ पे उड़ाही भी वहाँ बिल्कुल ठीक था। और जब वार्ड नंबर 6 में गए, वहाँ मेन समस्या था उड़ाही तो हो रही थी लेकिन वो रोड पर जो नाले के ऊपर ही बना दिया है, वो पूरा घर बना दिया है, कोई अपना सीढ़ी बना दिया है, कोई रैंप बना दिया है, जिसके चलते उड़ाही में समस्या आ रही थी। जैसा केवल वार्ड नंबर 6 की समस्या नहीं, ये कई वार्डों की समस्या है, उसके लिए वो अतिक्रमण शाखा को ला करके उसका वो अतिक्रमण शाखा को बुला करके पूरी तरह से जेसीबी से जब तक नहीं जो नाले पर बनाया हुआ स्ट्रक्चर है परमानेंट स्ट्रक्चर उसको हटा के जब तक उड़ाही नहीं होगी तो पूरी तरह से उड़ाही वहाँ की नहीं हो पाएगी। उसके बाद जो कलवर्ट है वो भी पूरी तरह से एकदम धस चुका है, बहुत पहले का कलवर्ट बना हुआ है और वो पूरी तरह से इतना धसा हुआ कि उसके नीचे से पानी पास करना मुश्किल हो रहा था। तो ये सारी समस्याएं हमने देखी लेकिन हमारे जो अभी गैंग लेबर लगाए गए हैं वो लोग बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, उसमें कोई तरह का कोई परेशानी नहीं है। और वार्ड नंबर 4 में फिर हम लोग गए अनाथालय रोड में, वहाँ भी बहुत अच्छे से सफाई हुई है। और वहाँ का मेन समस्या है ये जो अनाथालय रोड है वहाँ पे बहुत ऊंचा रोड बन गया है और बहुत नीचे से वो जो ब्रिज है रेलवे ब्रिज तो वो बहुत नीचे हो गया, तो उसको थोड़ा सा लेवल करना पड़ेगा जिससे कि वो जो तुरंत जो बाइक वाले चलाते हैं और गिरते पड़ते हैं बच्चे तो वो ठीक हो जाएगा वो समस्या। और कई जगह हमने देखा है कि नाले पर ढक्कन बनना बहुत ज़रूरी है, वो ढक्कन बनने से रोड की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी और नाले का सुरक्षा भी होगा क्योंकि बहुत लोग नाले में डायरेक्ट कूड़ा फेंक देते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा और इन सब चीज़ों के लिए हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। खगड़िया जिले के अगवानी गंगा घाट पर कुछ लड़के और लड़कियों को गंगा की अविरल धारा में रिल्स बनाना महंगा पड़ गया। रिल्स बनाने के दौरान 5 लड़का और 1 लड़की गंगा में डूब गए, जिसमें 18 साल के श्याम शाह और 18 साल की साक्षी कुमारी किसी तरह नदी से सुरक्षित निकल गई है लेकिन दोनों की तबीयत काफी बिगड़ी हुई है। दोनों को गोगरी रेफरल अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है जबकि 4 युवक लापता बताए जा रहे हैं। लापता मुकेश चौधरी, राजन कुमार, आदित्य कुमार और श्याम कुमार की खोजबीन जारी है। एसडीआरएफ की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया है, वहीं परबत्ता के सीओ और थाना अध्यक्ष भी मौके पर कैंप किए हुए हैं। ये लोग 8 बजे दिन में ही सुबह ही घर से आ गया था यहाँ गागवानी और गंगा जी में जो 5 लड़का एक लड़की थी अपना खेल कूद कर रही थी, जो भी आजकल का होता है रील्स बनाना या कुछ करना मनचला युवक टाइप था उसी में से अभी खबर मिला कि कुछ देर पहले कि वो लोग जो है डूब रहा है। हम लोग वहाँ से आए तो पहले 2 को देखे वहाँ पर हॉस्पिटल में है जो बचा हुआ है, लापता 4 है। चारों कुलरिया पंचायत का ही है, उसमें 2 है भरसवा ग्राम का।
भागलपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच जिला विधिक संघ के अधिवक्ताओं का 10 पदों पर चुनाव हो गया, जहां 2791 अधिवक्ताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जबकि 114 प्रत्याशियों के भाग का फैसला 19 मई को देखने को मिलेगा। वहीं एक बड़ी अजीबोगरीब चीज देखने को मिली, जहां एक तरफ संघ का मतदान हो रहा था तो दूसरी तरफ मतदान केंद्र के बाहर प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए थे। वहीं एक ओर जिला विधिक संघ का चुनाव हो रहा था तो दूसरी तरफ जिला विधिक संघ बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा चुनाव में धांधली एवं वित्तीय अनियमितता को लेकर अधिवक्ता अजीत कुमार सोनू और कपिल देव कुमार आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, जो आमरण अनशन का तीसरा दिन है, जबकि आमरण अनशन पर बैठे अधिवक्ता कपिल देव कुमार की हालत गंभीर हो गई है, जिसको फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आमरण अनशन पर बैठे अधिवक्ताओं के सवाल पर चुनाव अधिकारी ने कहा कि आमरण अनशन पर बैठे अधिवक्ता अजीत कुमार सोनू अधिवक्ता ही नहीं है, अधिवक्ता अजीत कुमार सोनू का लाइसेंस रद्द हो गया है, जिससे आमरण अनशन पर बैठने का कोई औचित्य ही नहीं है। हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन पे है, कुछ चुनाव में भी अनियमितता है, जो मॉडल रूल के अनुसार एक तो चुनाव नहीं हो रहा है, जो इनके समर्थक में है वो वोटिंग कर रहे हैं, हम लोग गांधीवादी विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं और उसी के अनुसार हम लोग सत्याग्रह आंदोलन आमरण अनशन पर हैं। हमारी मांग है इन लोगों ने जो पहले से तय किया था टीक वाला, जो आज तक सील मोहर पर बात हो रही थी, उसी सील मोहर से हम लोगों ने कहा था चुनाव करवाइए। अनियमितता तो बहुत सारे हैं, इसके पूर्व भी संजय कुमार मोदी जी ने जो आरोप लगाया था वो सारा FIR सब है, सारा लिखित है। चुनाव ये भगवान की कृपा से अल्लाह का करम है कि सब लोगों का सहयोग मिलते हुए बिल्कुल शांतिपूर्ण जो है चुनाव हो रहा है और अपना सब लोग जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और बड़ा खुशी खुशी अपना मत कर करके आ रहे हैं जा रहे हैं। रिजल्ट मतलब गिनती हम लोग कल से ही शुरू करेंगे। इस देखिए 7 चूँकि 10 पद के लिए चुनाव है, उसके छटैया में काफ़ी वक्त लगेगा, सबको अलग अलग करना होगा। जब अलग अलग कर करके हम लोग ये कर लेंगे तब हम लोगों का प्रोग्राम पहले था कि एक्जीक्यूटिव मेंबर का ही चुनाव करें, नीचे से शुरू करें, लेकिन कुछ लोगों की मांग थी कि सर नीचे से ना शुरू करके ऊपर से ही मतलब प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी से ही चुनाव करें, तो हम लोग कहा चलिए हमको इससे भी करना था उससे भी करना, चलिए ऊपर वाले से ही कर देंगे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स बिहार टॉकीज रोड लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर पुलिस की कार्यशैली से नाराज दो भाई अपनी बहन के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भागलपुर के DIG विवेकानंद के कार्यालय में आवेदन देकर न्याय का गुहार लगाने पहुंचे। मृतका के भाई ने कहा कि उसकी बहन भागलपुर में रहकर कंपटीशन की तैयारी करती थी, इसी दौरान बाईपास थाना क्षेत्र के रहने वाले रजनीश कुमार दास से बहन को प्रेम हो गया और दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। उसके बाद जब रेणु ससुराल गई तब उसे पता चला कि रजनीश की पहले ही शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। उधर रेणु कोर्ट में शादी करने का उसके ऊपर दबाव बनाने लगी,
जिस पर रजनीश ने कहा कि पहले तुम्हारे पिता दहेज में 2 लाख रुपया देंगे, उसके बाद कोर्ट में शादी करेंगे, जिसको लेकर विवाद होना शुरू हुआ और रेनू को कमरे में बंद कर उसकी पिटाई की जाने लगी। उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर शव को नदी के पास गड्ढे बनाकर उसमें दफन कर दिया गया। मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दोनों भाई थाने से लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या दोनों भाई को उसकी बहन के गुनाहगार को सजा मिल पाती है या नहीं। मेरी बहन का नाम है रेनू कुमारी और वो पढ़ती थी भागलपुर मीराकर, और एक रजनीश जो है रजनीश कुमार दास जो है जिसका घर है करमपुर और थाना क्षेत्र आता है बाईपास थाना, और वो भागलपुर में मेरी दीदी पढ़ती थी और रजनीश कुमार से किसी तरह से उसे मतलब कि मेल मिलाप हुआ और मतलब कि एक दूसरे को जानने लगा और जानते जानते एक दूसरे से लव किया और लव किया, फिर उसके बाद एक दूसरे को मतलब कि ज़्यादा पहचान जान में आया और फिर रजनीश जो है ना मेरी दीदी को हमेशा झांसा देने लगा कि तुमको बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए, दिल्ली भेजेंगे, तुम उसे शादी कर लो, और यही करके झांसा देकर जो है कुछ दिन पहले मतलब कि 28 अप्रैल को मर्डर हुआ उससे पहले कुछ दिन 20 दिन पहले उसको झांसा देकर रजनीश बोला कि चलो मेरे घर पर जो है लव मैरिज पहले शादी कर लिया हूँ, फिर बोला कि शादी किया, मेरी दीदी बोला कि चलिए कोर्ट मैरिज से शादी करें, तो बोला कोर्ट मैरिज से शादी नहीं, तुम्हारा बाप अगर 2 लाख रुपया पैसा और बाइक देगा तभी हम जो है अति करेंगे कोर्ट से शादी करेंगे, तो दीदी बोला कि पैसा तो नहीं है मेरे पास लेकिन अभी ऐसे शादी कर लेते हैं, तो वो दोनों रजनीश बलजोबरी उससे शादी करवा लिया और घर पर लेकर गया। घर पर ले जाने के बाद मेरी दीदी वहाँ कुछ दिन रही और कुछ दिन रहने के बाद मेरी दीदी को पता चला कि रजनीश का पहले से शादीशुदा था और उसका बच्चा भी था। जब उसकी वाइफ वहाँ पर आई तो डेली मेरी दीदी को टॉर्चर करने लगा और मारने लगा। जब मेरी दीदी बोली कि हम नहीं रहेंगे ऐसे वैसे, तो बलजोबरी उसको घर में रूम में बंद करके रखा और मोबाइल फ़ोन भी ले लिया, सारा कुछ ले लिया, ना हम लोगों से बात करने दिया। और फिर धीरे धीरे ऐसे करके हुआ, कुछ दिन हुआ, उसके बाद जो है ना मेरी दीदी को उन लोगों ने मतलब गला दबाकर मार दिया जान से। उसमें रजनीश हुआ मेन, उसका पति रजनीश जो शादी कर गया था, उसकी पत्नी पूजा कुमारी थी और उसका बाप विजय दास और उसकी माता और उसका साथी सब था, रजनीश का साथी सब था, गांधी मंडल हुआ और कुछ लोग वहाँ के आसपास के सौतम गौतम उसका भाई चचेरा और वहाँ की कुछ वाइफ सब मिलकर जो है उसका गला दबाकर मार दिया और मारकर 28 तारीख को मारा, मर्डर किया, दिन में ही मारा है और मारकर जो है पास के पीछे गांव के पीछे एक पोखर है नदी और वहाँ पे ले जाकर जो है उसको जोगिया नदी में ले जाकर दफन कर दिया और दफन करना छोटा सा मिट्टी खान कर गाड़ दिया, उसमें नमक दे दिया और साथ में तेजाब भी डाल दिया ताकि फेस पहचान में ना आए, तेजाब ऐसा डाला कि पूरा फेस पूरा काला हो गया था, तेजाब डाल दिया और उसको ऊपर से दफन कर दिया। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत परवत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पहुंच पथ पर गरैया में वैभव होटल के सामने पान दुकानदार झंडापुर थाना क्षेत्र के झंडापुर शेख टोला निवासी मोहम्मद फारूक का शक्त विक्षक्त अवस्था में शव बरामद हुआ है। परवत्ता पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक मोहम्मद फारूक पिछले कई वर्षों से परवत्ता थाना क्षेत्र के वैभव होटल व पेट्रोल पंप के सामने में पान का दुकान चलाता था। शुक्रवार की शाम में पान दुकानदार का शव होटल से करीब 200 मीटर आगे फेंका हुआ बरामद हुआ। मृतक के पुत्र मेहताब आलम ने बताया कि अचानक फोन आया कि आपके पिताजी का शव होटल के 200 मीटर आगे फेंका हुआ है, जिस पर हम लोगों ने वहां पर पहुंचकर देखा तो सर पर पत्थर से प्रहार कर एवं गला दबाकर उनकी हत्या की गई थी। वहीं घटनास्थल के पास से गमछा भी बरामद हुआ है। परवत्ता पुलिस के द्वारा तत्काल मृतक दुकानदार को बुलाने वाले एक व्यक्ति झंडापुर निवासी मोहम्मद फूलो उर्फ फूल खान को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं इस घटना को लेकर मृतक के पुत्र मोहम्मद मेहताब आलम ने बताया कि झंडापुर के 3 लोगों के द्वारा ही बुलाकर उसके पिता की निर्संस हत्या की गई है। पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। वो सब दारू पी के फूल था, 3 आदमी थे, मेरे पापा के पास मोहम्मद फूलो अकेला आए, कुड़िया लिए पापा से, पापा गांव का था, पापा को बुलाए, पापा चल गए कि गाँव का है वार्ड है वो अभी, तो पापा बुलाए, उनको पापा को बुलाए तो पापा उनके साथ गए, इसके बाद फिर वो 2 बजे गए, फिर इसके बाद पापा मेरा उधर से रिटर्न नहीं आए। आज सर इसके बाद सुबह में हमको जब फोन के द्वारा यहाँ से फोन गया जाने तो इसका छानबीन करने लगे, नहीं मिला। इसके बाद हम आज सुबह जब फूलों से मिलने के लिए गए घर पे, कल्ला हम और एक मेरा भाई था छोटा, तो फूलों आ रहा था और जब फूलों को हम पूछे, फूलों जब आप गए थे वहाँ दुकान पर तो क्या आप अब्बा को कहीं लेके गए थे, बोला कि नहीं हम नहीं लेके गए थे, तो वो हमसे नज़र मिला के बात नहीं कर रहा था, डरावनापन से बात कर रहा था,
फिर इसके बाद में हम अपने जीजा जी को लेके गए साथ में उसके घर पे, वो घर पे नहीं था। भागलपुर जिले में जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जमीन पर भू माफियाओं के द्वारा अवैध कब्जा को लेकर खूनी खेल जारी है, पर पुलिस प्रशासन न जाने क्यों मूक दर्शक बनी हुई है। इस बाबत आज भी जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर बदमाशों ने जमीन मालिक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना बरारी थाना क्षेत्र का है, जहां पर बदमाशों ने जमीन मालिक के ऊपर हमला किया है। इससे पहले पीड़ित ने बरारी पुलिस को लिखित आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई फीकी पड़ने के बाद बदमाशों का मनोबल काफी बढ़ गया। पुलिसिया कार्रवाई से नाखुश पीड़ित भागलपुर के सीनियर एसपी आनंद कुमार के कार्यालय पहुंचे और उन्हें लिखित आवेदन देकर उनसे न्याय की गुहार लगाई है। बहरहाल अब देखना शेष रह गया है कि इस मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक क्या संज्ञान लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। मामला है सर की जमीन जो है वो जबरदस्ती मेरे पिताजी से लिखवाना चाहता है, जिसके विरुद्ध हम खिलाफ उसका आवेदन दिए कल थाना में जाके, तो थाना उस पर कार्रवाई नहीं किया। अच्छा। और आज वो वारदात आखिर जो आवेदन लिखे थे हम कि वो कोई भी घटना को अंजाम दे सकता है, पर उस पर जब कार्रवाई नहीं किया तो आज हमको धारदार हथियार से पैर काट दिया, बोला थाना जाता है, थाना क्या कर लेगा। कौन थाना का मामला है? बरारी थाना का। कौन है वो जिसको जो मारपीट किया? वो रॉकी कुमार था, रॉकी कुमार मारा हमको। अच्छा। और उनका मतलब ये अरुण था, अरुण यादव, और उनका पिताजी का नाम है भूम यादव, शरण यादव था और बालेश्वर यादव था। जमीन को लेके मारपीट हुआ है? नहीं, जमीन तो मेरा है। अच्छा। वो जबरदस्ती लेना चाहता है हमसे फ्री में? नहीं नहीं, कुछ अमाउंट हमको कह, जितना हमको बचेगा जितना हम बेचेंगे अपने अनुसार। अच्छा। हम क्यों दे उसको जमीन? हम जब मानेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे चीज को, तब ना। मेरे पिताजी नहीं दे रहे हैं तो जबरदस्ती का है जमीन लिखवाएगा उससे? हम जबरदस्ती जमीन नहीं दिए तो जिसके चलते मारपीट। हाँ, बोला लेंगे जबरदस्ती, मार के लेंगे, बसने नहीं देंगे तुमको। थाना क्या किया? थाना कुछ नहीं किया इस पे। थाना गए तो पर्ची का तक के नहीं दिया कि इलाज हम करवा सके। 10:30 बजे हम गए थाना, और जबकि इलाज के लिए देखिए कितना ब्लड हमको 10:30 बजे इस बार आके सदर, पहले गए मायागंज फिर गए सदर, तो सदर में बोला कि पर्ची काट के दीजिए, तो पर्ची जब काट कटवाने फिर गए थाना कि सर पर्ची काट के हमको दे दीजिए ताकि हम इलाज करवा सकेंगे, पर वो बोला कि बैठो, आएगा बड़ा बाबू तब सुनेगा वो। अभी हम सर से मिले हैं, एसपी सर से।